जिले के निवाई तहसील की एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की छात्राओं का राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग ले के लिए सागवाड़ा डूंगरपुर के लिए दल रवाना। जनजातीय विभाग उदयपुर द्वारा सभी EMRS राजस्थान के राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक 3 दिन किया जाना है, जिसमें निवाई की EMRS निवाई की 43 छात्राओं का दल आज सुबह 6 बजे आवासीय विद्यालय के बस द्वारा रवाना हुआ, जिसमें ये छात्राएं विभिन्न प्रकार की कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, तीरंदाजी आदि खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेंगी। इन छात्राओं के दल के साथ शारीरिक शिक्षिका सुनीता चौधरी, वरिष्ठ अध्यापक हंसराज मीणा, सीमा मीणा, लाइब्रेरियन दीपक सेन शामिल रहे। इस दल को छात्रावास अधीक्षिका रंजिता तंवर ने रवाना किया। निवाई टोंक से सुभाष सोदा की रिपोर्ट। किस तरीके के आयोजन में आज जो है एकलव्य मॉडल छात्राएं रवाना हुई? आज हमारे विद्यालय से EMRS विद्यालयों की राज्य स्तरीय टूर्नामेंट होगी जो सागवाड़ा डूंगरपुर में होगी, और उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हमारे विद्यालय EMRS निवाई से 43 स्टूडेंट जा रहे हैं, जो अलग अलग प्रकार के खेलों में भाग लेंगे। वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, एथलेटिक्स आदि में भाग लेंगे। पूर्व में भी हमारी विद्यालय की छात्राओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन EMRS राज्य स्तरीय खेलों में किया, जो नेशनल लेवल पर गई, और हमारा अब की बार भी यही मिशन रहेगा कि अधिक से अधिक बालिकाएं राष्ट्रीय स्तर पर चयन हो। कितने दिन की ये हमारे दिनांक के 25/12/2023 से 27/12/2023 तक चलेगी, जो कि 3 दिवसीय है। इसमें राजस्थान के सभी EMRS विद्यालय जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर द्वारा संचालित है, वह भाग लेगी।